हेलो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप हमें यह बताओ कि क्या आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गया है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने से वंचित हो गए हैं तो इसका असर जो है आपके रिजल्ट पर बहुत ही बड़ा पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 मैट्रिक इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, आपके रिजल्ट को लेकर और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स का नंबर और इंटरनल असेसमेंट का अंक अपलोड करने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यानी कि जैक बोर्ड ने जो है सभी स्कूल व कॉलेज को दिशा निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 13 जुलाई तक जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स का नंबर और इंटरनल असेसमेंट का नंबर जो है जैक बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर जो है अपलोड करना होगा। दोस्तों, आपको पता है कि समय सीमा खत्म हो चुकी है और क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जो नंबर है, इंटरनल असेसमेंट का नंबर जो है वो अपलोड हो चुका है या नहीं हुआ है, तो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों, जिन विद्यार्थियों का इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम से वंचित हो गए हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों का भी क्या होने वाला है, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, जो कि सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। मैं जो बातों को बताने वाला हूं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है सभी स्कूल व कॉलेजों ने जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिया है और पोर्टल पर जो है जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जो ऑफिशियल साइट है उन पर जो एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स का नंबर और इंटरनल असेसमेंट का नंबर जो है अपलोड कर दिया गया है। और कई सारे बच्चों का ऐसा है जो कि यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गए हैं या किसी कारण से जो है वो अनुपस्थित हो गए हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत ही बुरी खबर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, लिखा है कि सरकार की अनुमति बिना बैक डेट में लिया गया प्रैक्टिकल। यानी दोस्तों, आपको बता देना चाहूंगा कि यहां पे कहने का मतलब यह है कि सरकार ने इसका तो यहां पे घोषणा नहीं किया कि इस तारीख से आप लोगों को यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेना है, यह अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, वो शेड्यूल जारी नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है सभी स्कूल और कॉलेजों ने अपनी अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्स ले ली है। इंटरनल असेसमेंट का जो नंबर है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल पोर्टल पर जो है अपलोड कर दिया गया है। देखो इसमें आगे क्या लिखा है, लिखा है 10 जून को रद्द हुई परीक्षा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 जून को जो है अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था हमारे सीएम सर के माध्यम से कि परीक्षा नहीं लिया जाएगा, परीक्षा को रद्द करने की जो है घोषणा की गई थी। उसके बाद जो है 16 जून को शिक्षा विभाग की ओर से जो है परीक्षा रद्द करने की जो है अधिसूचना जारी की गई थी, ठीक है। उसके बाद 1 तारीख को यानी कि 1 जुलाई को जो है इसकी गाइडलाइन जारी कर दी कि किस तरीके से बच्चों को जो है मूल्यांकन करना है, किस तरीके से उनको जो है नंबर देना है, इंटरनल असेसमेंट में कितना नंबर देना है, प्रैक्टिकल में जो है कितना नंबर देना है, इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और देखो इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल के लिए राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिली, बावजूद इसके स्कूल और कॉलेजों ने लगभग 100% छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल ले लिया है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि झारखंड सरकार यानी कि जैक बोर्ड की ओर से जो है अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं किया गया कि जो है इसका शेड्यूल जारी किया गया है कि इस डेट पर जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेना है, लेकिन इसके बावजूद बैक डेट के अनुसार जो है सभी स्कूल और कॉलेजों ने अपनी अपने बच्चों के जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स इंटरनल असेसमेंट का जो अंक है वो तैयार कर लिया है। देखो इसमें आगे लिखा है कि स्कूल और कॉलेजों ने प्रैक्टिकल के लिए बचे 80,000 छात्र छात्राओं में से करीब करीब सभी का प्रैक्टिकल बैंक डेट में लिया गया, यानी कि बैक डेट में लिया गया, यानी कि विदाउट शेड्यूल जारी किए ही सभी बच्चों को बुलाकर जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स ले लिया है। और इसमें यहाँ पे ये भी कह रहा है कि इसके बावजूद कुछ छात्र छात्राएं अभी भी वंचित रह गए हैं, यानी कह सकते हैं कि 80,000 जो बचे हुए विद्यार्थी जो कि पहले जो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स को जो स्थगित कर दिया गया था, उसके बावजूद जो 80,000 मैट्रिक इंटरमीडिएट के विद्यार्थी बचे हुए थे, इनमें से कई सारे बच्चे अभी भी वंचित हो गए हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम बैक डेट पर जो लिया गया है। देखो इसमें आगे क्या लिखा है, लिखा है कि इनमें ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो प्रैक्टिकल के लिए बुलाए जाने के बावजूद स्कूल नहीं आ सके हैं। यानी कि सभी विद्यार्थियों को जो है मैसेज कर दिया गया था, इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रही है, स्कूल में जो है नोटिस साट दिया गया था, सूचनाएं जारी कर दी गई थी स्कूल के माध्यम से, लेकिन इसके बावजूद जो है कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है स्कूल नहीं आ सके हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों का जो है आपके रिजल्ट पर जो है काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। देखो लिखा है कि वे संबंधित जिला से बाहर रहने की वजह से स्कूल नहीं आ सके, वो चाहे जिला से बाहर हो या आप घर पे ही हो, लेकिन आपको सूचना मिली है और आप स्कूल या कॉलेज नहीं गए हैं प्रैक्टिकल एग्जाम देने को लेकर, तो देखो यहां पे लिखा है
कि वैसे छात्र छात्राओं को स्कूल कॉलेजों ने अनुपस्थित कर दिया है, यानी कि जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए स्कूल नहीं गए हैं, जिनका इन्फॉर्म मिलने के बावजूद वो जो है प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे सके हैं, तो उनको जो है अनुपस्थित कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अब्सेंट कर दिया गया है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। देखो आगे यहाँ क्या लिखा है, लिखा है कि मंगलवार रात 11:59 यानी कि 11:59 तक मैट्रिक इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के नंबर अपलोड करने की समय सीमा भी पूरी हो गई है। दोस्तों आपको पता है कि आज है 14 जुलाई और कल था 13 जुलाई, और कल जो है रात 11:59 तक जो है इसका अपलोडिंग प्रोसेस की जो है लास्ट सीमा थी, लास्ट अवधि इसमें जो है दिया गया था निर्देश के अनुसार। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये जो है सीमा की अवधि है, यानी कि जो नंबर जो है अपलोडिंग करने की जो प्रक्रिया थी उनकी जो है अवधि है समाप्त हो चुकी है। देखो अब क्या है कि झारखंड अकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए जो है अलग से तारीख नहीं बढ़ाने का फैसला लिया था। यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जो अपलोडिंग का प्रोसेस है उनकी जो है समय सीमा बढ़ाने की जो है घोषणाएं नहीं हुई थी, फैसला नहीं लिया गया था। सरकार से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद प्रैक्टिकल के लिए जाने पर स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी ने स्पष्ट कहा है कि छात्र में यह फैसला लिया गया है, यानी कि जो स्कूलों के प्रधानाध्यापक और आपके जो सहायक प्रभारी शिक्षक हैं उन्होंने ये कहा है कि छात्रों के हित में जो है यह फैसला लिया गया है, उनके लिए जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स को आयोजित कराया गया बैक डेट के अनुसार, यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा जो है शेड्यूल जारी नहीं किया गया था कि किस डेट पर जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होना है, लेकिन इसके बावजूद जो है स्कूल कॉलेजों ने जो है अपनी अपने बच्चों को जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिया है और जैक के निर्देश के अनुसार जो है अपलोड की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। देखो यहां पे क्या लिखा है, आगे यहाँ लिखा है कि छात्र छात्राओं के अभिभावकों की सहमति के बाद छात्र छात्राओं को बुलाकर प्रैक्टिकल कंप्लीट कराया गया, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। साथ ही सभी का जो है प्रैक्टिकल का नंबर और जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है उनके आंतरिक मूल्यांकन का नंबर जैक के वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया गया। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब जो है आप लोगों का रिजल्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। साथ में आपको बता देना चाहूँगा कि अब जो है 2-3 दिन डिले हो सकते हैं आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो अपलोडिंग करने में, क्योंकि कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनका अभी तक जो है प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरनल असेसमेंट का जो अंक है वो अपलोड नहीं हो सका है, तो उनको लिए जो है 2 दिन का टाइम और दिया जाएगा क्योंकि इस तरीके सूचनाएं मिल रही है। तो देखो आप लोगों का रिजल्ट में थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन 31 जुलाई से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट जो है आने की पूरी चांसेस है। पहले मैट्रिक वालों का जो है एग्जाम्स का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, उसके बाद जो है 12 वालों का, तीनों संकाय का जो है एक ही साथ रिजल्ट प्रकाशित करने वाली है। तो दोस्तों कई सारे विद्यार्थी जो वंचित हो गए हैं उनको अनुपस्थित कर दिया गया है, उनका रिजल्ट नहीं बनने वाला है, उनका रिजल्ट जो है नहीं बनेगा, उन सभी विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाएगा, जो कि वंचित विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। दोस्तों आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस अपडेट में क्या मैं आप लोगों को बताया हूं और क्या आप लोगों को यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गया है या आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम से वंचित हो गए हैं, आप यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट थी। क्योंकि इस अपडेट में मैंने सारी चीजें बताई कि क्या आप लोगों का जो है अपडेट है, क्या आप लोगों के लिए जो है बुरी खबर है, क्या आप लोगों के लिए जो है गुड न्यूज है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया हूं। इसलिए दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि झारखंड बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर भी जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।